हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हिजाब लाइफस्टाइल। एंड दिस कुड बी गुड फॉर मी। शेयर करने वाली हूँ ये क्यूट सा प्यारा सा हिजाब लुक। इट्स अ समर फ्रेंडली हिजाब लुक। सो इसके साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अंडरस्कर्फ और इनर वॉल्यूम। आप अपने हिजाब के अंदर अंडरस्कर्फ कैसे वियर कर सकते हैं और इनर वॉल्यूम कैसे दे सकते हैं, एक लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही हेल्पफुल। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, अगर अपन इनर वॉल्यूम की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिजाब में, बिकॉज उसके अलावा हिजाब अच्छा नहीं लगता है। आपको मैं पिक्स यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर दूँगी, आप देख सकते हैं कि हिजाब में इनर स्कार्फ और बिना इनर स्कार्फ की कितना डिफरेंस होता है। सो इनर स्कार्फ के लिए सबसे पहले आपको अपने हेयर्स पे करनी है पोनी और आपको यूज़ करना है उस पर स्क्रंची या फिर डोनट। डोनट एक तरीके का, आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगी फ़ोटो, इस तरीके का एक गोल सा राउंड सा कुछ होता है। तो स्क्रंची या डोनट आपको यूज़ लाजमी करना है, उसको आपको लगा के बन बनाना है। उसके बाद आपको यूज़ अंदर वियर करना अंडर स्कार्फ। अंडर स्कार्फ के लिए मैं आपको एक बता दूँ, स्कार्फ के लिए जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक होता है ये कॉटन क्लॉथ और ये है शिफॉन क्लॉथ। शिफॉन क्लॉथ आपको अंडर स्कार्फ के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करना, आपको यूज़ करना है कॉटन क्लॉथ, बिकॉज ये आपको बहुत टाइम तक आपका हिजाब स्टे करेगा और ये बिल्कुल हिलेगा डुलेगा नहीं, और इससे आपका हिजाब बिल्कुल स्टे नहीं करेगा और आपका हिजाब खुल जाएगा। सो इसको आपको हिजाब के लिए यूज़ करना है और इसको आपको अंडर स्कार्फ के लिए यूज़ करना है। अब आप अंडर स्कार्फ का ट्यूटोरियल देख लीजिए। सो गाइज, यहाँ पर मैंने हिजाब कैप नहीं वेयर कर रखी है, मैं डायरेक्ट अंडर स्कार्फ ही पहन रही हूँ। आप डायरेक्ट अंडर स्कार्फ भी पहन सकते हैं। सो इसको आपको ऐसे रैप करके और पीछे आपको ऐसे टग इन करना है, और दूसरी साइड को भी आपको ऐसे रैप करके और पीछे टग इन करना, और ये अंडर स्कार्फ रेडी है। वेयर कर रही हूँ, अभी मैंने हुप्स वेयर कर लिए हैं। आप ऐसे कोई भी इयररिंग्स वेयर कर लीजिए और अभी आपको ऐसे आगे से थोड़ा सा फोल्ड कर, यहाँ पर आपको एक हिजाब पिन की हेल्प से सिक्योर कर देना। यहाँ से हमने सिक्योर कर दिया, अब क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन है इसको एक इधर से फोल्ड करना है और इसको इधर से फोल्ड करना है। हो गया फोल्ड। फोल्ड करने से क्या होगा, ये आपको मतलब इयररिंग्स वगैरह आपने जो भी पहन रखे थे अच्छे से शो होंगे। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है इसको इधर डालना है और ये इधर। ये मतलब आप समर में भी अगर इसको वेयर करेंगे तो बिल्कुल समर फ्रेंडली है, बिकॉज आप ज़्यादा टाइट हिजाब्स वेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो आप इसको ऐसे वेयर कर सकते हैं। सो ये हमारा था आज का वीडियो, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आई नो हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को आपको करना है लाइक, ओके, और रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन दे रखा है नीचे उसको आपको ज़रूर प्रेस करना, उसके पास जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ही दो, ताकि मैं और नई नई वीडियोस जब भी अपलोड करूँगी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आना। सो आज हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है मतलब आप कैसे वॉल्यूम दे सकते हैं अपने हिजाब को। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए वॉल्यूम कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अगर इसी हिजाब में अगर वॉल्यूम नहीं होता तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिकॉज हिजाब में वॉल्यूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हिजाब अच्छा नहीं लगता है, ओके। सो ये था हमारा आज का हिजाब ट्यूटोरियल विथ इनर स्कार्फ और अंडर स्कार्फ और इनर वॉल्यूम, जो भी था सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। सो इस वीडियो को करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके, एंड ऑल्सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़ गाइस, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।